हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हैंड रिटन सिंप्लीफाइड मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक की वीडियो और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड कराता है। आई होप आपने वेबसाइट चेक की होगी, अगर अभी तक नहीं की है तो प्लीज चेक इट आउट। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। लेट्स सी URL एंड URL कनेक्शन क्लास। अगर हमें कोई भी, हमने दो टाइप के प्रोग्रामिंग देखे, कनेक्शन लेस, कनेक्शन ओरिएंटेड, जिसमें हम क्लाइंट एंड सर्वर करके एक दूसरे के साथ कनेक्शन किए बिना या क्रिएट करके प्रोग्रामिंग करते थे। अगर हमें URL रिलेटेड कोई भी प्रोग्रामिंग करना है, मीन्स के अगर कोई भी वेबसाइट है जिसमें कोई भी वेबसाइट है उसकी एक्सपायरी डेट, उसका नेम, उसकी कोई भी डिटेल चाहिए, तो हम URL रिलेटेड प्रोग्रामिंग करते हैं। लेट्स सी क्या होता है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल URL, URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड। जब हमें कोई भी वेब सर्विस या वेब रिसोर्स होता है तब उसकी URL होती है। URL में मेनली टू कंपोनेंट होते हैं, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर एंड रिसोर्स नेम। लेट्स सी व्हाट इज प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर एंड रिसोर्स नेम। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, नेम ऑफ द प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, HTTP, HTTPS। एंड रिसोर्स नेम, नेम ऑफ द रिसोर्स, तमें मीन्स के यू वॉन्ट टू यूज इन अ वेब, मीन्स के आपको किस रिसोर्स या किस वेब सर्विस या किस प्लेटफॉर्म का नेम, वो उसके रिसोर्स नेम में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे लिया है https thebrainspot.in, जिसमें HTTPS एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि HTTP, HTTPS ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं, वो ये प्रोटोकॉल है। एंड द ब्रेनस्पॉट डॉट इन वो रिसोर्स का नाम है, वो वेब सर्विस का नाम है। ऐसा URL कनेक्शन क्लास, URL का यूज करके हमें किसी भी से कम्युनिकेट करना हो, नेटवर्क में कम्युनिकेट करना हो, तब हम URL कनेक्शन क्लास का यूज करते हैं। URL का क्लास यूज करके हम पूरे नेटवर्क में URL के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। URL क्लास के अंदर मेन टू टाइप के क्लास होते हैं, HTTP URL एंड JAR URL कनेक्शन। मीन्स की कोई वेबसाइट है जिसकी HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल यूज करता है, तब उसके साथ हमें कुछ भी कम्युनिकेट करना हो नेटवर्क के अंदर, तब हम वो यूज करेंगे। और JAR URL मीन्स के किसी की जार, किसी भी रिसोर्स की जार फाइल के साथ हमें करना हो, कम्युनिकेट करना हो, तब कर सकते हैं। HTTP URL कनेक्शन, दिस क्लास इज वर्क फॉर HTTP प्रोटोकॉल विच इज यूज टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू ऑफ URL विच कंटेन HTTP प्रोटोकॉल। जो भी रिसोर्स, जो भी वेबसाइट HTTP प्रोटोकॉल यूज करता है, उसकी, उसके साथ हमें कम्युनिकेट करना है, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तब हम HTTP URL कनेक्शन बिल्डअप करेंगे। जार कनेक्शन, दिस क्लास यूज टू रिप्रेजेंट URL कनेक्शन टू अ जार फाइल। किसी भी रिसोर्स की जार फाइल है और उसके साथ हमें कुछ भी कम्युनिकेट करना हो, कनेक्शन बिल्डअप करना है, तब हम जार कनेक्शन यूज करेंगे। अब URL कनेक्शन क्लास की बेसिक मेथड है। URL कनेक्शन क्लास क्रिएट तो कर लिया, पर उसके साथ साथ हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट तो गेट कंटेंट, रिट्राइव द कंटेंट ऑफ द URL कनेक्शन। URL मीन्स के जो भी रिसोर्स है उसका क्या कंटेंट है वो हम रिसीव कर सकते हैं। गेट डेट, हेडर फाइल की डेट कौन सी है वो हम रिट्राइव कर सकते हैं। गेट एक्सपायरी डेट, उसकी हेडर फाइल है उसकी एक्सपायरी डेट कब है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारे टास्क हम URL कनेक्शन क्लास से कनेक्शन क्रिएट करके कर सकते हैं। लास्ट मॉडिफाई हेडर फाइल डेट हम फाइंड कर सकते हैं। हेडर फाइल लास्ट कब मॉडिफाई हुई थी, एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी डेट क्या है, ये सारी चीजें हम URL कनेक्शन क्लास से फाइंड कर सकते हैं। अब URL कनेक्शन क्लास क्रिएट कैसे करें, उसकी सिंटैक्स। तो फर्स्ट URL कनेक्शन नेम, नेम इज इक्वल टू URL। कौन सी URL जिसकी यहाँ पे मुझे चाहिए, द ब्रेनस्पॉट डॉट इन, तो मैं यहाँ पे देखूंगा द ब्रेनस्पॉट डॉट इन। URL ले ली, कौन सी URL पे काम करना है वो ले लिया। अब URL कनेक्शन बिल्डअप करना है, तो उसके लिए URL कनेक्शन क्रिएट करने के उसका ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू URL ऑब्जेक्ट नेम। जो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे URL पास की एट द टाइम लिया था, URL ऑब्जेक्ट नेम, वो यहाँ पे आएगा डॉट ओपन कनेक्शन, मीन्स के URL कनेक्शन ओपन हो गया। कौन सी URL, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे द ब्रेनस्पॉट डॉट इन ली थी, तो उसके साथ कौन सा कनेक्शन हुआ, HTTP कनेक्शन, क्योंकि हमने HTTP वाली URL ली है। इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल है ब्रेनस्पॉट डॉट इन कब लास्ट मॉडिफाई हुई थी, उसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें यहाँ पे URL स्ट्रिंग लिया है, यहाँ पे लिया है, देखो URL
ये ऑब्जेक्ट नेम है इज इक्वल टू न्यू कैपिटल यूआरएल यूआरएल स्ट्रिंग। यहाँ पे पहले यूआरएल स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के अंदर ले लिया गया है, उसके बाद यहाँ पे कॉल किया है, उसके बाद एचटीटीपी यूआरएल कनेक्शन क्रिएट किया गया है, ये उसका ऑब्जेक्ट है कनेक्शन, जिसको ओपन कनेक्शन किया गया है, और उसको गेट लास्ट मॉडिफाई जो भी मेथड थी हमने यहाँ पे देखी थी गेट लास्ट मॉडिफाई, वो मेथड का यूज करके हमें देखा कि ये फाइल ये वेबसाइट लास्ट मॉडिफाई कब हुई थी। थैंक यू।